नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आधार लॉक और अनलॉक क्या है। आधार का बायोमेट्रिक कभी कभी लॉक दिखाता है। कई सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो हमसे अभी ऐसा भी पूछे हैं कि हमारा आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक हो गया है और ये कहीं काम नहीं कर रहा था। ऐसा इश्यूज बहुत से लोगों को फेस भी होता रहता है, बहुत से लोगों को नहीं भी होता है। तो जिन लोगों को है ये प्रॉब्लम्स, वो ये वीडियोस देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें लॉक और अनलॉक दोनों को मैंने एक ही साथ में वीडियोस बना के दिखा दिया है। हम वैसे चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अनलॉक के ही बारे में बता सकते थे, लेकिन लॉक कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो आपको कभी लॉक करना हो तो आसानी से लॉक भी कर सकते हैं जी। अपना बायोमेट्रिक हमेशा लॉक करके रखना चाहिए, और अगर लॉक हो जाता है तो जैसे मान लीजिए किसी का लॉक हो गया किसी कारण, अब वो कहीं बायोमेट्रिक अपना दे रहा है तो काम नहीं कर रहा है, मोबाइल नंबर पे OTP भेज रहा है वो भी नहीं काम कर रहा है, ना तो आधार कार्ड डाउनलोड हो सकता है ना ही उसका फिंगर काम कर सकता है। अगर आपका बायोमेट्रिक पूरा आधार लॉक है तो उसे अनलॉक करने के लिए आपको सिंपल सा मोबाइल फोन उठाना है, और मोबाइल फोन की कुछ सेटिंग्स हैं जिनका आप यूज करके अपने आधार कार्ड को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो इस वजह से बना रहे हैं ताकि जिनका भी आधार कार्ड कैसे भी लॉक हो जाता है तो वो अपने ही मोबाइल फोन से कैसे अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर आप अनलॉक कर लेते हैं तो आपका सारी जगह पे काम करना शुरू रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना आधार कार्ड लॉक ही रखें, जैसे हम अपना आधार कार्ड लॉक रखते हैं, लॉक रखने से यही सबसे बड़ा फायदा है कि उसे कोई भी हमारे सिवा यूज नहीं कर सकता, ना तो OTP भेज सकता है, हमारे पास OTP आएगी ही नहीं अगर हम अपना आधार कार्ड लॉक रखेंगे, क्योंकि उसे जब तक हम अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ना वो डाउनलोड होगा ना उसे कोई वर्क हो पाएगा। तो हम अपने हाथ में है हमारे सब कुछ, हम अपने मोबाइल फोन से अपने आधार को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो लॉक और अनलॉक का सिस्टम अभी हम आपको इसी मोबाइल फोन के माध्यम से आपको बता देंगे और आप आसानी से वो सारे काम कर सकते हैं। तो हम चाहें तो अपने मोबाइल फोन पे ही बता दें, लेकिन हमारे पास वही प्रॉब्लम्स रहती कि आधार कार्ड का कुछ भी काम रहता है तो हम सोचते हैं लोगों को अच्छे समझ आए, इस वजह से मैं हमेशा लैपटॉप पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के स्क्रीन के जो फॉल्ट होते हैं वो बड़े होते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आता है। तो चलो शुरू करते हैं इसका वीडियोस और ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां आपको आधार लॉक और अनलॉक के बारे में पूरा प्रॉपर बता देते हैं ताकि इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आपको फेस ना करनी पड़े। तो जब कभी लॉक हो जाए तो इस वीडियोस को देखकर आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। अगर कभी आप चाहते हैं कि हम अपना आधार कार्ड लॉक कर लें तो इस वीडियोस को देखकर आसानी से लॉक कर सकते हैं। लॉक हो जाने के बाद आप आसानी से अपने पास रखें, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके सिवा उस पर कोई क्रिएट नहीं कर सकता आधार कार्ड पे जब तक आप अपना आधार कार्ड लॉक रखते हैं। तो लॉक करने का सिस्टम यही है, हम आपको तुरंत अभी लैपटॉप पे दिखाते हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे हम सबसे पहले आपको वो पेज ओपन करके दिए हैं जिसकी हमें जरूरत है। आजकल के जो नए आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हैं या नया आधार कार्ड किसी का बनवाते हैं तो आपको उसी पे जहाँ पे आधार नंबर पड़ा होता है वहीं पे आपको एक VID करके एक नंबर पड़ा होता है, सबसे नीचे जहाँ आधार कार्ड होता है उसी के नीचे। देखिए यहाँ पे पड़ा है VID, इसका नाम होता है वर्चुअल ID। तो वर्चुअल ID ये होता है, इसका अंक होता है 15 शायद, अभी हम कंफर्म नहीं किए हैं, 16 डिजिट का ये VID नंबर होता है। ये सबके आधार कार्ड के नीचे पड़ा होता है। अगर आपका कभी भी आधार लॉक हो जाता है तो उसे अनलॉक करवाने के लिए आपको वर्चुअल आईडी बहुत ही जरूरी होती है। अब वर्चुअल आईडी जैसे मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड नया है, नया मतलब डाउनलोड नया, आधार कार्ड कभी पुराना और नया नहीं होता है, वो जब से जारी हो जाता है तभी से वो हमेशा नया रहता है, जब चाहो तब उसे डाउनलोड करके नया कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये चीजें आपको बताने वाले हैं, है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस, आप इसे ध्यान से समझिएगा। वैसे हम इतनी ध्यान से नहीं भी समझा पाते हैं लेकिन कोशिश बहुत ही करते हैं कि आपको ठीक से समझ आए। तो ये जो वर्चुअल आईडी होता है ये हमें नया आधार कार्ड जैसे हमारा बना कभी हमने बनवाया हो लेकिन उसको अगर हम डाउनलोड करें नए अभी आज डाउनलोड करें तो उस पर प्रिंट होके ये वर्चुअल आईडी आएगा, और उससे पहले वाले आधार कार्ड जिनके पुराने उस पर ये वर्चुअल आईडी मेंशन नहीं होता है। ये वर्चुअल आईडी एक हिसाब से आधार कार्ड का ही काम करता है, इससे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वर्चुअल आईडी से भी। अगर ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि हम निकालें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वर्चुअल आईडी से आधार कार्ड निकाल के दिखा सकते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक है तो आप
अनलॉक करने के लिए वर्चुअल आईडी देंगे तभी हो पाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल आईडी निकलती कहां से है, फिर आपका आधार कार्ड हम लॉक कर देंगे, उसके बाद अनलॉक कर देंगे। सारे प्रोसेस इसी में बताने वाला हूं, तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और जरा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियोस समझ में ना आया तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं गूगल की साइट पे। तो गूगल तो सभी के फोन में होता है, क्रोम ब्राउजर जैसे हम लोग रोज की तरह। तो यहाँ हम सिंपली क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ हमें सिंपली वही टाइप करना है जो रोज हम टाइप करते आ रहे हैं आधार के विषय में, UIDAI। इतना लिखने के बाद आप नीचे काफी सारी साइटें यहाँ पे ओपन होकर आ जाती हैं। यहाँ पे हम सिंपली किसी भी UDI की साइट पे ओपन कर देते हैं। UDI की साइट पे ओपन करने के बाद जो सबसे पहले फ्रंट में हमें फ्रंट पे जो दिखाई दे जिसपे अर्थ का लोगो बना होना चाहिए और stp.udi.com सारी चीजें लिखी हुई है। हम सारे काम करते हैं यहीं से, हम आधार निकालते हैं डाउनलोड कर, आधार के जितने भी सारे काम हैं, कंप्लेंट लिखाना, कंप्लेंट दर्ज करना, सब कुछ हमें हमारा यहीं रहता है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली अब यहाँ से हमें देखना है कि हमको आधार कार्ड को, मान लीजिए हम लॉक आधार कार्ड हमारा है तो उसको अनलॉक करना है, तो हम इस वीडियो पे पूरी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। हमने इस वीडियोस में लॉक अनलॉक दोनों का प्रोसीजर बता दिया है और वर्चुअल आईडी के बिना ना तो हम लॉक कर पाएंगे और ना ही अनलॉक कर पाएंगे। तो वर्चुअल आईडी हम आपको बता दें कहां से जनरेट की जाती है, कैसे निकल के आती है, ये सारी चीजें इसी में आपको समझा देंगे। और आपको हम हर दिन एक वीडियोस देते हैं इस वजह से आधार कार्ड से रिलेटेड कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स इसमें ना फेस करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत ही छोटा काम रहता है जो हम खुद ही कर सकते हैं। बस दिक्कत इतना रहता है कि ना जानकारी होने के कारण हम बहुत ही ज्यादा भटकते हैं इन चीजों को लेकर के। तो हम आपको जेन्युइन तरीके से इस पे एक 100% जानकारी देने की कोशिश भी करते हैं और मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद भी आती होगी, ये मैं उम्मीद भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नीचे का आगे का काम। नीचे हम मोबाइल फोन होगा तब भी वैसे ही जाना रहेगा और लैपटॉप होगा तब भी सिंपल सा काम। तो बायोमेट्रिक यहाँ पे देखिए लॉक और अनलॉक दोनों का सिस्टम नीचे दिखाया हुआ है। बायोमेट्रिक देख पा रहे हैं नीचे हिंदी में आपका पढ़ा है, आधार सेवाएं और आधार को अपडेट करें और आधार प्राप्त करें। एक दो तीन इसके बड़े बड़े से ऑप्शन है, उनके नीचे सबसे बायोमेट्रिक को लॉक करें। यहाँ सिंपली लॉक और अनलॉक पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जब भी कभी आप UDI की साइट पे विजिट करेंगे, जो दूसरा पेज ओपन होकर आएगा उसमें स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा आधार लॉक और अनलॉक। तो यहाँ पे हमें देखिए अगर हमारे पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो हम वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले हम देख लें। जैसे इस वाले पेज पे हम आ चुके हैं तो वर्चुअल आईडी हमें यहाँ स्क्रॉल करे हुए नीचे को थोड़ा तो VID जनरेट लिखा, ये VID वही है वर्चुअल आईडी, इसे जनरेट करके निकालना रहता है अपने मोबाइल फोन पे। तो सिंपली इस आइकन पे क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद यहाँ हम वो वाला जनरेट VID करनी है, मतलब वर्चुअल आईडी, तो यहाँ आधार नंबर वो डालना है जिसकी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम अपना ही आधार कार्ड डाल के वैसे भी सबको दिखाते हैं, तो हम फिर से अपना आधार कार्ड यहाँ पे कर देते हैं फिल, और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड हमेशा डालना पड़ेगा जो इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अगर नहीं पड़ेगा तो इसको निकालना मुश्किल है। तो ये हम इतना सारा डाल देंगे, जैसे जैसे इसमें लिखा हो सेम ऐसे डालोगे तभी यहाँ OTP पे सेंड कर पाओगे, नहीं तो OTP जाएगी नहीं। फिर हमने OTP पे सेंड कर दिया, जो भी आप आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे उस वाले पे एक OTP भेजा जाता है, वो OTP आपको मिल जाएगा इसी किसी भी आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे वो OTP सिंपली चला जाता है। फिर वो OTP जब आपके पास जाएगा तो उस OTP को यहाँ फिल करना रहता है, तो हम OTP सिंपली यहाँ डाल दें और हम जनरेट कर लें वो आईडी, वर्चुअल आईडी हम यहाँ से, आप देखिए वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना क्लिक करोगे हमारे सामने वर्चुअल आईडी ओपन होकर आ जाएगी। वर्चुअल आईडी आप देख पा रहे होंगे लिखी हुई यूर वर्चुअल आईडी, ये यहाँ सामने भी लिखी है और 16 डिजिट का लिखा हुआ है और आगे लिखा है हैज बीन सेंड यूर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब ये आप जो मोबाइल नंबर था उसमें मैसेज में ये वर्चुअल आईडी सेंड भी कर दिया जाता है और आपको यहाँ भी दिख जाता है। तो आप भी अगर मोबाइल नंबर कहीं भी है आप यहाँ लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो जब ऐसे करके आप कंप्लीट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर मोबाइल फोन है, अन्यथा अगर लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप वहाँ पे पेन से लिख सकते हैं ये सब करने के बाद, या तो आप मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, ये सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो वर्चुअल आईडी हम कर चुके हैं जनरेट, अब यहाँ से हमें बाइक चले जाना सीधे,
अब वर्चुअल आईडी मिल चुकी है, अब हमें आधार लॉक और अनलॉक करना है, हमें रहना इसी पेज पे है। बस क्या है, थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अभी वर्चुअल आईडी जनरेट किया, यहाँ नीचे लिखा है लॉक और अनलॉक। ये लॉक और अनलॉक आधार अगर आपका पहले से लॉक है तो यहीं पे क्लिक करेंगे, और अनलॉक करने के लिए हमको क्या करना रहता है, नेक्स्ट ईयर नीचे देखवा रहे हूँ। इसमें कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं है, ना ही कोई बहुत रिस्की काम है, ये बहुत ही अच्छा काम है। स्टेप भी दिखाए गए हैं, 3 स्टेप में आप कर सकते हैं अच्छे से। तो इसको आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं सेविंग अच्छे से। तो ये वर्चुअल आईडी हमारा जनरेट होके कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको करने वाले हैं लॉक। तो यहाँ देखिए हमारा लॉक पे स्क्रीन, यहाँ पे आप एक चीज अब आपको बता दें और अच्छी सी, इसको थोड़ा जूम कर लें। देखिए यहाँ पे लॉक पे हमारा क्लिक है, यहाँ अनलॉक। जब आपको मान लीजिए लॉक करना है तो इसी पे क्लिक रखना है, सारी डिटेल डालनी। डिटेल में क्या डालनी हम आपको बता ही देंगे। अगर अनलॉक करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करना है, और फिर अनलॉक में सिर्फ वर्चुअल आईडी डाल देनी है, कैप्चा कोड सेंड ओटीपी करके यहाँ रजिस्टर कर देना है, आपका अनलॉक हो जाएगा। तो अनलॉक अगर करना है तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम अपना लॉक करके दिखा दें फिर अनलॉक करके दिखा दें, हमारा प्रोसीजर डन हो जाएगा इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो जो वर्चुअल आईडी हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड थी उस पर अभी पहुंचा था और हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया, वो वर्चुअल आईडी यहाँ 16 डिजिट की डाल देनी है। तो मैं वहाँ जो मुझे मिली थी मैं वो इसमें सिंपली भरना चाहता हूँ। जी जब 16 डिजिट का होता है 16 पूरा पड़ेगा इसमें तभी आएगा इंटर फुल नेम। तो जिसका भी आप लॉक अनलॉक कर रहे हैं उसका पूरा नाम इसमें आपको डालना रहता है। तो हमने डाल दिया, फिर नीचे हमको क्या डालना रहता है, यहाँ पे पिन कोड। आप जहाँ भी रहते हैं जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड दिखाया गया वही आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पे वो पिन कोड डाल देंगे, और उसके बाद इंटर कैप्चा, यहाँ हम कैप्चा कोड फिर से डालेंगे। ये सामने हमारा मेंशन हो रहा है क्यू है और एफ है, ऐसे जैसे जैसे ये दिखे सेम वैसे ही डालना है। कुछ कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे, कुछ स्मॉल में है तो स्मॉल में डालेंगे। अगर इधर उधर करेंगे तो ये हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो हमने देखिए सिंपली वैसे ही डाल दिया जैसा है। अब सब डिटेल्स हमारी पूरी यहाँ पे फिल हो चुकी है, अब हमें सिंपली करना रहता है सेंड ओटीपी पे क्लिक। सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी फिर से सेंड हो जाता है। अब सेंड होने के बाद ओटीपी, इसको हम पहले जूम आउट कर लें, और यहाँ पे हमें वो ओटीपी भर देनी रहती। तो ओटीपी जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर वैसे वो तो जाएगी। तो हमारे ओटीपी नंबर पे यहाँ आ चुकी है, तो हम इसको कर देते हैं। ये ओटीपी डालने के बाद यहाँ आपको देखिए इस वाले आइकन पे क्लिक करना रहता है, तभी ये डार्क हो पाएगा, नहीं तो बहुत ब्लर रहता है। इस पर क्लिक करोगे आप तब जाके यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए हैज बीन लॉकेड सक्सेसफुली, आपका आधार लॉक हो गया। अब ऐसे कैसे करके बहुत से लोगों का किसी कारण लॉक हो जाता है, और जब आधार कार्ड लॉक हो जाएगा तो आप इससे सेफ्टी बहुत है, अगर आपको जानकारी है तो आपकी सेफ्टी बहुत है। ना तो ओटीपी आपको कोई सेंड कर सकता, ना तो कोई आपके आधार कार्ड पे स्कैम कर सकता है, ना तो कोई आपके अकाउंट से छेड़खानी कर सकता है, ना तो आपके पैन कार्ड को हैक कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपका आधार कार्ड लॉक है। अब लॉक कर लिए, अब अनलॉक करने में वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकता, लॉक अनलॉक तो हमने बता ही दिया कैसे करना है। तो लॉक हो चुका है मेरा आधार कार्ड, अब हम इसको सिंपली कर लेंगे अनलॉक। तो अनलॉक के हमें क्या करना होगा, मैंने सिंपली आपको बता रखा है। मान लीजिए हमारा ऐसा सब कुछ सिस्टम है, हम इसे सारी चीज़ों को कर देते हैं कैंसिल। अब सारी चीज़ें कैंसिल कर दिए, करने के बाद हमें आपको बताएं, अब मान लीजिए हमारा आधार कार्ड लॉक है, हम उसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो सिंपली हम उठाते हैं मोबाइल फ़ोन और फटाफट मोबाइल फ़ोन की क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, और उसको अनलॉक करने के लिए हम सिंपली UDI की साइट को ओपन करते हैं। और जैसे ही लिखते हैं UDI, मेरे सामने UDI का पूरा वेबसाइट ओपन हो किया जाता है। हम सिंपली UDI पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आराम से ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे हम आपको ले गए थे सेम वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप वहीं पहुंचना रहता है। फिर आपको वही आधार नंबर दे देना होता है और OTP भेज के अपना आधार कार्ड सिंपली कर लेना होता है अनलॉक। तो हम ये सारी चीज़ें दिखा चुके हैं आपको। हम नीचे जाना, देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक करें। बायोमेट्रिक मतलब आपका फिंगर वगैरह कहीं काम ही नहीं करेगा अगर आपका आधार कार्ड लॉक है। तो ऐसे कई सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो अनलॉक बायोमेट्रिक को काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं क्लिक। करने के बाद वही इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा जो हर टाइम आता रहता है। फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें वही ऑप्शन मिलेगा लॉक और अनलॉक। तो लॉक और अनलॉक पे जाना रहता है, और फिर यहाँ नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा लॉक पे क्लिक है, देख पा रहे होंगे, यहाँ अनलॉक पे क्लिक करना है अगर हमको अनलॉक करना है। यहाँ वर्चुअल आईडी
आपको वर्चुअल आईडी तो देनी ही देनी होगी, तभी ये अनलॉक हो पाएगा, नहीं तो ये अनलॉक नहीं हो पाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और वर्चुअल आईडी कैसे निकालनी है मैंने अभी इसी वीडियोस में बता ही रखा है, वैसे ही आप वीडियोस को देख करके फॉलो कर लीजिए, ये हम आपसे हमेशा बताते हैं। आप इस चीज़ को लेकर ना परेशान होइएगा कि हम लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से नहीं कर पाएंगे, हम मोबाइल फ़ोन से ही सारी चीज़ें करके आपको दिखा सकते हैं। लैपटॉप तो हम इस वजह से दिखाते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। हमने जितने भी वीडियोज़ बना के डाले हैं मोबाइल फ़ोन वाले, उनमें एक में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ठीक से किसी को समझ आया हो, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरे इतने सारे वीडियोस की लेंथ लंबी होती है और इतना सारा बिजी टाइम इसमें लगाते हैं, उसके बाद भी आपका कुछ ना हो पाए तो मतलब नहीं रह जाता चीज़ों से। तो इस वजह से हम हमेशा आपको बताते रहे थे कि मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ें सेम हैं, तो वर्चुअल आई डी ऐसे आप डाल देंगे जब कभी अनलॉक करेंगे, फिर ये वाला आप कैप्चा कोड यहाँ पे सिंपली भर देंगे जो सामने आपको दिख रहा है। और हम आपको कैप्चा कोड के बारे में बता दें, जो जैसे अक्षर दिखेंगे वैसे नहीं डालोगे तो काम नहीं हो पाएगा। वर्चुअल आईडी कम्प्लीटली भरने के बाद हमको सेंड ओटीपी पे कर देना है क्लिक। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद जब भी कभी आप अपना आधार अनलॉक करेंगे तो हमेशा ओटीपी के बिना कुछ काम हो भी नहीं पाएगा, ये हम हमेशा आपको बताते रहे। जब तक ओटीपी नहीं सेंड करेंगे कुछ इसमें होने वाला है भी नहीं, तो ओटीपी हमने सिंपली कर दी है सेंड। अब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पे ओटीपी फिर से आपको सेंड हो जाएगा, और फिर जब ओटीपी सेंड हो जाएगा तो वही ओटीपी आपको इसमें नीचे डाल देनी रहती है जब कभी अनलॉक करेंगे। तो हम यहाँ पे डाल दें वही वाली ओटीपी जो अभी हमने सेंड की है, तो मेरे पास वो ओटीपी आ चुका है, मैंने इसको सिंपली कर दिया फिल। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना रहेगा तब जाके ये वाला आपको, ये वाला जो सबमिट का है वो तो आपको ब्लर ही दिखेगा जब तक आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, 8119 83 8119 83। तो यहाँ पे क्लिक करना, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका सिंपली आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आपको सामने दिख जाएगा सक्सेसफुली अनलॉक, आपका आधार नंबर हो चुका है, आपका फिंगर भी काम करेगा, आपका आधार भी काम करेगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं, ना ही किसी दुकान पे दौड़ने की जरूरत, ना ही किसी से जानकारी लेने की जरूरत। आप इस वीडियोस को देख के अपने मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।